हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। पहले वीडियो में आपने क्लास टेंथ की जो प्रैक्टिस सेट हैं उनमें पोएट्री के प्रैक्टिस फर्स्ट सेट के क्वेश्चंस जान लिए हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर टू में। देखिए प्रैक्टिस टू में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड। डस्ट ऑफ स्नो कविता में पोएट के मूड को किस चीज़ ने बदल दिया है। तो हमने कविता पढ़ी है, हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा है कि जो हेमलॉक ट्री है उस पर एक क्रो बैठा है। उस क्रो ने पार्टिकल्स ऑफ स्नो ठीक अपनी चोंच से पोएट के सिर पर जब वो गिरते हैं पार्टिकल्स स्नो के, तो उसका मूड चेंज हो जाता है और वो आनंदित हो जाता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है आंसर में। अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। सबसे पहले हमने आपको एक आंसर और समझा दिया। आपको ये भी आ सकता है कि इस डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, ठीक बर्फ के, वो कहलाते हैं डस्ट ऑफ स्नो। अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री कॉजेज द डस्ट ऑफ स्नो टू फॉल ऑन हिम। और जो कौआ पेड़ पर बैठा है वो डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है, कहाँ पर, पोएट के सिर पर गिराता है। दिस चेंजेस हिज मूड, और इससे उसका मूड बदल जाता है। ही फॉरगेट्स हिज सॉरो, और वह अपने सारे दुखों को भूल जाता है। एंड बिकम्स जॉयफुल, और वो बड़ा खुश हो जाता है। ये हमारा डस्ट ऑफ स्नो का ठीक है आंसर है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आसानी से आप याद कर सकते हैं इन शब्दों को। यदि आपको समझने में कोई तकलीफ हो मुझे व्हाट्सअप करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, ये प्रैक्टिस सेट नंबर टू का क्वेश्चन नंबर टू है। इन द पोएम द बॉल पोएम व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मींस। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ऑफ पोजीशन का मतलब हमसे पूछा गया है कि कविता जो आपकी बॉल पोएम है, द बॉल पोएम, उसमें जो है वो ये जो द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इसका क्या मतलब है। देखिए आपका आंसर है, इन द पोएम द बॉल पोएम इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन्स, ये क्वेश्चन से ही आ गया इतना हमारा, दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। ये कहता है कवि कि यह दुनिया भौतिकवादी चीज़ों से भरी हुई है। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स मतलब सुख सुविधाओं की चीज़ों से भरी हुई है। इट मीन्स, इसका मतलब और आगे बताता है कवि, इट का मतलब है पीपल लाइक टू पजेसिस ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। लोग पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं क्या, सारी चीज़ों पर पजेस करना, अपना अधिकार करना चाहते हैं। इन द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में लोग क्या चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं उन पर मेरा अधिकार हो जाए। वो इसी चीज़ में फंसे हुए, इसी मेटेरियलिस्टिक चीज़ में फंसे हुए हैं। तो ये कहलाता है इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन का मीन्स आपको इस तरीके से लिखना है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। अंतिम क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट टू का जो है वो है, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव्ड आउट ऑफ इट। क्या होता है उस घर को जब उससे पेड़ बाहर निकलते हैं। कौन से घर की बात हो रही है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारी कविता द ट्रीज से लिया गया है। और द ट्रीज में ठीक हमें बताया गया कि जो पेड़ हैं वो घर को, घर के विंडो ग्लासेस को, विंडो पेन को तोड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं, रूट भी बाहर निकल रही है, सब आज़ाद होना चाहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या है। When the trees moved out of the house, ये तो क्वेश्चन से ही लेना है। When the trees moved out of the house, the glass gets broken. The glass ग्रेट्स ब्रोकन, यानी जो ग्लास होते हैं, जो कांच होते हैं, वो टूट जाते हैं। एंड द स्मेल ऑफ द लीव्स, और पेड़ पत्तियों की जो स्मेल है, गंध है, लीव्स, सॉरी ये एंड यहाँ पर गलत लिखा है, थोड़ा सा आप इसको अमेंड कर लेना, ठीक है। द स्मेल ऑफ द लीव्स रीचेज द रूम्स ऑफ द हाउसेस, ये एंड को नहीं लिखना है आपको, इसको मत लिखिएगा। द स्मेल ऑफ द लीव्स यानी जो पेड़ की पत्तियों की खुशबू है, रीचेज द रूम्स ऑफ द हाउस, वो पहुंच जाती है जो घर के कमरे हैं उनमें। चलिए तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ प्रैक्टिस सेट टू खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस थ्री के, प्रैक्टिस सेट थ्री का जो है आंसर शीट हम आपको लाने वाले हैं। थैंक यू।